पटना हाई कोर्ट में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले जज पर हुई कार्रवाई, सभी केस से हटाया गया। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के कार्य प्रणाली और न्यायपालिका में फैली भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जज को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही ने वरिष्ठ जज राकेश कुमार को नोटिस जारी कर उन्हें सभी प्रकार की सुनवाई करने से रोक लगा दिया है। ऐसा बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 11 जजों की फुल बेंच बैठी। फुल बेंच ने जस्टिस राकेश कुमार के आदेश को रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस राकेश कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया की जमानत दिए जाने के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य की निचली अदालतों के भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त होना चाहिए, उस अधिकारी को मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाते हुए पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद निचली अदालत ने रमैया को जमानत कैसे दे दी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से हमने न्यायमूर्ति पद की शपथ ली है, तब से ये देख रहा हूँ कि वरिष्ठ जज मुख्य न्यायाधीश को मशका लगाने में मशगूल रहते हैं ताकि उनसे कोई फेवर ले सके, भ्रष्टाचारियों को भी फेवर दे सके। इसके बाद आनन फनन में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 11 जजों की फुल बेंच बैठी और उनको सुनवाई से हटा दिया गया। साथ ही साथ रजिस्ट्री को भी शो कॉज किया है, जिसमें उन्होंने जवाब मांगा गया है कि जो केस डिस्पोजल हो चुका था उसे किसके आदेश से वहाँ लगाया गया है। बता दें कि केपी रमैया ने 28 मार्च 2018 को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया, जहां से उन्हें 8 मई को जमानत मिल गई है। केपी रमैया पर घोटाले का आरोप है। उनके साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रमाशीष पासवान, आईएएस अधिकारी एसएम राजू और 5 अन्य लोग बिहार महादलित विकास मिशन फंड घोटाले के आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।